नमस्कार, ओम शांति। स्वागत है आपका पीस ऑफ माइंड चैनल पर। आपके साथ मैं हूँ शिवांगी। पेश है पीस न्यूज बुलेटिन की मुख्य खबरें। हैदराबाद के शांति सरोवर में राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी के सम्मान में कार्यक्रम। संस्थान के 80 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष में आयोजन। राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने कहा, देश में सुख व शांति की स्थापना का कार्य कर रहा ब्रह्मा कुमारी संस्थान। गॉडलीवुड स्टूडियो द्वारा निर्माणाधीन फिल्म के सिलसिले में आबू रोड पहुंचे फिल्म निर्माता और निर्देशक सुजीत सरकार। संस्थान के अंतर्राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में दी जानकारी। जल्दी ही बनकर तैयार होगी ब्रह्मा बाबा की जीवनी पर आधारित फिल्म भागीरथ। लोगों में तेजी से बढ़ रहा योग और राजयोग के प्रति रुझान। संस्थान ने शांतिवन में किया राजयोग शिविर का आयोजन। बड़ी संख्या में उमड़े लोग। अजमेर ख्वाजा के दरगाह पर दिखा भाईचारे का शानदार मिसाल। सर्वधर्मों के लोग हुए शामिल। ब्रह्मा कुमारी संस्थान का भी प्रतिनिधित्व। कौमी एकता एवं भाईचारे कमेटी का आयोजन। राजयोग मेडिटेशन द्वारा डायबिटीज से मुक्ति विषय पर हरियाणा के फरीदाबाद में शिविर का आयोजन। मधुमेह से बचने के लिए दिनचर्या को सुधारने व नियमित व्यायाम करने पर दिया बल। नई दिल्ली में भारत सरकार के सर्वाधिक प्रतिष्ठित अस्पताल एम्स के नवनियुक्त निदेशक प्रोफेसर रणदीप गुलेरिया से मिले सदस्य। ईश्वरी सौगात भेंट कर दी बधाई। और पंजाब के बरटाना में 4 दिवसीय अलविदा तनाव विषय पर कार्यक्रम। मन के विचारों को बताया सुख व दुख का मूल कारण। ब्रह्मा कुमारी संस्थान का मूलभूत उद्देश्य देश में सुख व शांति की स्थापना करना तथा स्त्री पुरुष भाई बहन के बीच सौहार्द स्थापित करना है और उनके इस महान कार्य की हम प्रशंसा करते हैं व तहे दिल से सम्मान देते हैं। यह उक्त विचार देश के राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी के हैं, जो उन्होंने ब्रह्मा कुमारी संस्थान के 80 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में हैदराबाद के शांति सरोवर में आयोजित कार्यक्रम में व्यक्त किए। This organization of international repute, whose headquarters is Mount Abu, but all over India had their networkings and outside network India also, their organizations function. The basic objective of the organization to ensure peace, harmony, cordiality between man to man, women to women, between men and women, as brothers and sisters. On the whole, this is the ultimate objective of our civilization, of our progress, of our advancement. No doubt, we want economic growth, we want technological development, we want scientific pursuit of knowledge, but at the end, everything comes to a point that we want to have happiness, happiness of the people. Happiness of the mankind. Happiness and peace are closely interlinked. One cannot survive without the other. Therefore, the organization which is working for peace, harmony, and harmonious living of every creature of the universe, we always appreciate them. We express our deep respects and gratitude to them. 80वीं वर्ष के तहत राष्ट्रपति के लिए आयोजित फेलिसिटेशन कार्यक्रम का शुभारंभ राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने तेलंगाना के राज्यपाल ESL नरसिंहन, उप मुख्यमंत्री मोहम्मद महमूद अली, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के पूर्व अध्यक्ष जस्टिस विश्वरैया, संस्थान के अतिरिक्त महासचिव BK ब्रिजमोहन, ORC के निदेशिका BK आशा, शांति सरोवर के निदेशिका BK कुलदीप, माउंट आबू से वरिष्ठ राजयोग शिक्षिका BK गीता, सिकंदराबाद मरेठपल्ली सेवा केंद्र प्रभारी BK मंजू की उपस्थिति में अपने कर कमलों से दीप जलाकर किया।
the Almighty for all the good things that He has blessed us with. And we share them with the entire world through our peaceful vibrations. हमें आज बहुत हर्ष हो रहा है कि हमारे बीच हमारे परम आदरणीय ऑनरेबल प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया आज हमारे शांति सरोवर में पधारे. हमारा सौभाग्य है आप व्यस्त होते हुए भी इतना समय देकर हम सबको प्रसन्नता दी, उसके लिए हम आपके बहुत बहुत आभारी हैं. इस कार्यक्रम के दौरान बीके ब्रिजमोहन, बीके कुलदीप, बीके गीता ने सभी को सम्मानित किया व ईश्वरी सौगात भी भेंट की. निर्माता और निर्देशक सुजीत सरकार सपरिवार राजस्थान में आबू रोड के ब्रह्मा कुमारी संस्थान शांतिवन में पहुंचे, जहां उन्होंने संस्था प्रमुख राजयोगिनी दादी जानकी, संस्था के महासचिव बीके निर्वैर, अतिरिक्त महासचिव बीके ब्रिजमोहन से आशीर्वाद लिया और संस्था के साकार संस्थापक पिता श्री ब्रह्मा बाबा के जीवन पर आधारित बन रहे एनिमेटेड फिल्म भागीरथ के विषय में चर्चा की. आपको बता दें कि सुजीत सरकार भागीरथ फिल्म के निर्देशक हैं और गॉडलीवुड स्टूडियो की ओर से इस फिल्म का निर्माण हो रहा है. मुंबई जैसी चकाचौंध की दुनिया से अध्यात्म की नगरी पहुंचे सुप्रसिद्ध फिल्म निर्माता एवं निर्देशक सुजीत सरकार के लिए एक सुनहरा अवसर था. साथ ही यह खास तब हो गया जब ब्रह्मा कुमारी संस्था के अंतर्राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में देश व विदेश से आए संस्थान के पदाधिकारियों व संस्था के कार्यकारी सचिव बीके मृत्युंजय के साथ चर्चा की और अपने अनुभवों को साझा किया. इसके साथ ही उन्होंने खार सेवा केंद्र की प्रभारी बीके शोभा के मार्गदर्शन पर संचालित सेवा केंद्र पर जाकर प्रतिदिन सत्संग करने व राजयोग के अभ्यास से जीवन में आ रहे बदलाव को भी सभी के साथ साझा किया. सो मैं कोशिश करूंगा उसको पर्दे पे उतने ही रोमांचक और थ्रिलिंग और एंटरटेनिंग तरीके से उसको लेके आऊं आपके सामने. और ये काम आप के साथ के बिना नहीं हो पाएगा, क्योंकि एक आदमी को, किसी को भी, ऑडियंस को सिनेमा में अंदर लेके जाना एक बहुत बड़ा डिफिकल्ट काम है. जो हमारे बड़े लोग हैं, हम लोग कुछ दिन बाद आपसे डिस्कस करेंगे कि कैसे एक एक सेंटर जो है, एक एक थिएटर में जब ये फिल्म रिलीज होगी, हम समझ रहे हैं अगले साल इसकी तैयारी हो जाएगी. सो आपका पूरा सहयोग चाहिए. मुझे किसी ने कहा कि हम लोग शायद टोटल मिला के बीके 15 लाख या 20 लाख के करीब है, मुझे मालूम नहीं एग्जैक्ट नंबर क्या है. एक बीके के ब्रदर एंड सिस्टर अगर एक को ले आए और सिनेमा दिखाते हैं, हो सकता है हफ्ते में हम डबल हो जाए. तो ये कर सकता है सिनेमा सामाजिक परिवर्तन का हेल्प करता है, बहुत सोसाइटी में बहुत इम्पैक्ट देखता है. सो आई होप ये बाबा का जो ये मैसेज है, ये जो पीस का जो मैसेज है, शांति का जो मैसेज है, ये सब तक पहुंचे और पूरे वर्ल्ड में. ज्ञात हो, संस्थान के इतिहास में पहली बार संस्थान के साकार संस्थापक प्रजापिता ब्रह्मा बाबा की जीवनी पर एनिमेटेड फिल्म बन रही है. भागीरथ फिल्म गॉडलीवुड स्टूडियो का अहम प्रोजेक्ट है. स्टूडियो के कार्यकारी निदेशक बीके हरिलाल इसके प्रोड्यूसर हैं. उम्मीद है कि यह फिल्म जल्दी ही बनकर तैयार हो जाएगी. भागदौड़ भरी जिंदगी में अब तेजी से लोगों का रुझान अध्यात्म और राजयोग की तरफ बढ़ रहा है. शरीर और मन को स्वस्थ रखने के लिए लोगों में काफी उत्सुकता बढ़ी है. इसकी वानगी ब्रह्मा कुमारी संस्थान के आबू रोड में आयोजित राजयोग शिविर में देखने को मिल रही है. आबू रोड के शांतिवन में 4 दिवसीय आयोजित राजयोग शिविर महाराष्ट्र समेत देश के कई स्थानों से लोगों का हुजूम उमड़ पड़ा. लोगों का मानना है कि यदि संपूर्ण स्वस्थ रहना है तो जीवन में ज्ञान, आध्यात्म और राजयोग को अपनाना चाहिए. देखिए एक खास रिपोर्ट.
हम खड़े हैं आबू रोड के शांतिवन परिसर में, जहां ब्रह्मा कुमारीस ईश्वरी विश्वविद्यालय द्वारा राजयोग शिविर का आयोजन किया गया है। यहां पर महाराष्ट्र से कई लोग राजयोग सीखने आए हैं। आइए हम जानते हैं उनसे राजयोग के बारे में क्या उनकी प्रतिक्रिया है। वर्तमान जीवन में तो भागदौड़ की जिंदगी है, यहाँ पे आने से शांति और परमात्मा का कैसे मिलन होना चाहिए और आगे के जीवन में राजयोग करके कैसे परमात्मा की प्राप्ति करना चाहिए, हमें यहाँ पे सीखने को मिला। और आज तक मेरी लाइफ में जितनी भी ट्रिप्स हुई है, ये सबसे अनोखी और सबसे अद्भुत ट्रिप है। यहाँ पर आके इतनी शांति महसूस हो रही है, स्ट्रेस लेवल बिल्कुल ख़त्म हो चुका है और मैंने संकल्प किया है कि मैं हर साल यहाँ पर आऊँगी। मैं पूरा विश्वास करता हूँ कि ये अध्यात्म में सबसे अलग और सबसे अच्छा लग रहा है और अपना मन प्रसन्न हो रहा है, अपना जो गुस्सा था वो ऑटोमेटिक कम होते जा रहा है। कोई बुरा कर रहा तो उसको अच्छा कैसा करने का, ये अपने को सोचने का है। वो बुरा करने का है, उसका गलत कैसा है, उसका गलत कैसा है, ये करने का नहीं। अपने को कैसा सुधरने को आता है ये करने का, उसने वैसा किया, उसने वैसा किया, ये कभी नहीं सोचने का। गृहस्थाश्रम जीवन में भी जो इतनी शांति फीलिंग नहीं आती है या खुशी फील नहीं होती है, शिवानी दीदी का सुन के बहुत अंदर में एक बोलते हैं ना कि जो गुस्से को कंट्रोल करने की जो शक्ति रहती है वो इस चैनल के बाद हमें आने लगी है। अजमेर सिटी ऑफ स्पिरिट की ओर से स्थानीय सूचना केंद्र में 2 दिवसीय फोटो प्रदर्शनी का आयोजन किया गया था, जिस प्रदर्शनी में कौमी एकता, भाईचारे एवं सद्भावना की मिसाल पेश की गई। इसके साथ ही शहर के प्रमुख धर्म गुरुओं व गणमान्य लोगों द्वारा प्रदर्शनी की सराहना की गई थी। सिटी ऑफ स्पिरिट के सदस्यों ने प्रदर्शनी की सफलता के लिए ख्वाजा साहब के दरगाह शरीफ में शुक्राने चादर एवं अकीदत के फूल पेश किए। इस मौके पर ब्रह्मा कुमारी सदस्यों सहित सभी धर्मों के अनुयायी मौजूद रहे। अंजुमन के सचिव सैयद वाहिद अंगार शाह ने कौमी एकता व भाईचारे की मिसाल बताते हुए सिटी ऑफ स्पिरिट के पदाधिकारियों के कार्यों की सराहना की। साथ ही टीम के सभी सदस्यों का दस्तार बंदी करके स्मृति चिन्ह भेंट कर सम्मानित किया, जिसमें ब्रह्मा कुमारी संस्थान का प्रतिनिधित्व कर रही अजमेर सब जोन प्रभारी बी के शांता, वरिष्ठ राजयोग शिक्षिका बी के रूपा, माउंट आबू से बी के भानु व अन्य टीम के सदस्यों में चित्राग सिंह, नूर मोहम्मद, मूसिफ अली खान, मोहम्मद नाजीर कादरी, आरिफा खान समेत अनेक सदस्य शामिल रहे। अब खबर हरियाणा की है, जहां पर फरीदाबाद निवासियों को ब्रह्मा कुमारी संस्थान द्वारा अनुपम उपहार राजयोग मेडिटेशन द्वारा डायबिटीज से मुक्ति शिविर आयोजित कर दिया गया, जिसमें माउंट आबू के ग्लोबल हॉस्पिटल से डायबिटोलॉजिस्ट बीके डॉक्टर श्रीमंत कुमार साहू, मेट्रो हॉस्पिटल के मैनेजिंग डायरेक्टर डॉक्टर LS बंसल ने शहर वासियों को डायबिटीज के प्रति जागरूक किया। सेक्टर 46 सेवा केंद्र के प्रभारी बीके मधु के मार्गदर्शन में आयशर स्कूल के ऑडिटोरियम में आयोजित इस शिविर में डॉक्टर श्रीमंत कुमार साहू ने डायबिटीज जैसी घातक बीमारी की तुलना एक आतंकवादी से की, जो किसी भी वक्त और कहीं भी हमला कर देते हैं। इसके साथ ही डॉक्टर बंसल ने डायबिटीज के होने के कारण को विस्तार से बताया और इसका जल्द से जल्द इलाज करने की सलाह दी। लेकिन मैं इसको टेररिस्ट कहता हूँ, आतंकवादी कहता हूँ, क्योंकि जैसे किसी गांव में, शहर में अगर आतंकवादी घुस जाए तो बम फेंकता है, तो डायबिटीज भी हमारे कभी आंखों में बम, कभी हाथ में बम, कभी पैरों में बम, कभी हार्ट में, कभी किडनी में, कभी दिमाग में बम। शुगर बेसिकली क्यों होती है, क्योंकि हमारे पैनक्रियाज में बीटा सेल्स होते हैं, वो बीटा सेल्स इंसुलिन बनाते हैं, और अगर शुगर बहुत हाई रहती है तो वो बीटा सेल को शुगर पॉइजन की तरह काम करती है, इंसुलिन बनाने वाले सेल्स को ही डैमेज करती रहती है शुगर, तो शुगर की बीमारी अंदर ही अंदर बहुत तेज स्पीड से बढ़ती है। इसलिए हम कहते हैं कि जो पेशेंट नया डायग्नोज हुआ है, जिसको अभी अभी पता चला है डायबिटीज़ है, उसको चाहे हमें इंसुलिन देनी पड़े, थोड़े ऐसे ऐसे मरीज हैं बहुत सारे, इसकी बहुत स्टडीज़ हुई हैं कि अगर शुगर पता चलते ही आप इंसुलिन देके थोड़े दिनों में उसकी इंसुलिन नॉर्मल शुगर ले आते हो, तो कई बार उनको कई कई सालों तक कोई भी दवाई नहीं खानी पड़ती और इंसुलिन भी थोड़े दिन बाद बंद हो जाती है। अंत में डॉक्टर श्रीमंत कुमार साहू ने सभी को गीत की धुन पर शारीरिक व्यायाम कराया और इसे अपनी दिनचर्या में शामिल करने की सलाह दी। अपोजिट पांव पीछे सीधा
ये हाथ आगे राइट बाबा मेरे संग संग चल दे गाओ सभी गाओ गाओ नई दिल्ली में भारत सरकार के सर्वाधिक प्रतिष्ठित अस्पताल एम्स के नवनियुक्त निदेशक प्रोफेसर रणदीप गुलेरिया से ब्रह्मा कुमारी सदस्यों ने मुलाकात कर उन्हें बधाई दी। इस मौके पर लोधी रोड सेवा केंद्र प्रभारी बीके गिरिजा, तनाव प्रबंधन विशेषज्ञ बीके पीयूष ने उन्हें ईश्वरी सौगात व ईश्वरी साहित्य भेंट किया। गौरतलब है कि पद्मश्री से सम्मानित प्रोफेसर रणदीप गुलेरिया जो कि देश में पल्मोनरी मेडिसिन के नामचीन डॉक्टर हैं तथा पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के निजी डॉक्टर भी हैं। आज की सबसे बड़ी समस्या है जीवन में तनाव का अनुभव होना। इसी से ही घर समाज व देश में उदासी एवं गम का माहौल बना हुआ है, जिसको समाप्त करने के उद्देश्य से पंजाब के बल्टाना में 4 दिवसीय अलविदा तनाव विषय पर कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसका शुभारंभ पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश अमरनाथ जिंदल एवं सेवा केंद्र प्रभारी बीके सुमन ने दीप जलाकर किया। इस अवसर पर बीके सुमन ने कहा कि मन के विचार ही सुख और दुख के कारण है, इसलिए तनाव मुक्त जीवन का अनुभव करने के लिए हमें सभी के प्रति शुभ भाव ही रखना चाहिए। इसके साथ ही उन्होंने शारीरिक स्वास्थ्य के लिए एक्सरसाइज भी कराई। इस मौके पर स्वर्णिम युग के महाराजा एवं महारानी लक्ष्मी नारायण तथा राधे कृष्ण की चैतन्य झांकी सजाकर उनके जैसा निर्विकारी बनने का आवाहन किया और अंत में सभी को साहित्य भेंट कर सम्मानित किया। इस कार्यक्रम का लाभ नगर के वरिष्ठ नागरिकों सहित कई लोगों ने लिया। स्वयं को परिवर्तन करना है, यह शिविर मेरे जीवन की विचारधारा बदल दे, खुद से करना है मुझे परिवर्तन। वहीं छत्तीसगढ़ के दुर्ग सेवा केंद्र द्वारा भी अलविदा तनाव विषय पर कार्यक्रम संपन्न हुआ, जिसमें राजयोग शिक्षिका बीके रूपाली ने तनाव मुक्त जीवन बनाने की विधियां बताते हुए कहा कि राजयोग का नियमित अभ्यास एवं सकारात्मक चिंतन तनाव से मुक्त होने की सहज विधि है। इसके साथ ही उन्होंने गाइडेड मेडिटेशन कराया, जिसकी सभी ने सराहना की। इस कार्यक्रम में उपस्थित अतिथियों ने भी तनाव मुक्त जीवन बनाने के लिए अपने विचार जाहिर किए। प्रोफेसर कॉलोनी के शिव मंदिर हॉल में संपन्न हुए इस कार्यक्रम में मेयर चंद्रिका चंद्राकर, पार्षद अलका बागमर सहित नगर के कई लोगों ने भाग लिया और तनाव को अलविदा करने का संकल्प लिया। कोलकाता में संरक्षिका सीआईएसएफ वाइफ्स वेलफेयर एसोसिएशन द्वारा यूनिट कोलकाता पोर्ट ट्रस्ट में सेल्फ एम्पावरमेंट थ्रू पॉजिटिव थिंकिंग विषय पर कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें सीनियर कमांडेंट महेंद्र कुमार यादव, डिप्टी कमांडेंट सत्यदेव आर्य एवं 5 महिला सेना कर्मियों समेत पुरुष सेना के 100 जवान शामिल थे। सेना कर्मियों को कठिन परिस्थितियों में भी मन को शांत एवं तनाव मुक्त रखने के उद्देश्य से आयोजित हुए इस कार्यक्रम में कोलकाता म्यूजियम सेवा केंद्र से राजयोग शिक्षिका बीके चंद्रिका ने कहा कि मन में नेगेटिव फाइलों का जमा होना ही तनाव का मुख्य कारण है। इसके साथ ही बीके रुचिरा ने भी अपने विचार व्यक्त किए। रिलीज नहीं होने के कारण, उसको पकड़ के रखने के कारण वो एक के बाद एक फाइल जमा होती चली जा रही है और वो प्रेशर बढ़ता चला जा रहा है। इस दौरान महेंद्र कुमार यादव ने क्रोध को तनाव का मुख्य कारण बताया और बीके मुनीश ने राजयोग का महत्व बताते हुए इसका अभ्यास कराया, जिसका उपस्थित लोगों ने लाभ लिया।
अवेकन द हीरो विदिन विषय पर नई दिल्ली के कालकाजी सेवा केंद्र द्वारा रामानुजन कॉलेज में कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें राज्यों के अभ्यासी संजीव कुमार ने अपने रियल लाइफ का हीरो बनने के लिए हर परिस्थिति के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण रखने की सलाह दी और कहा कि हर युवा के अंदर असीमित शक्ति है जिसे आज के समय में जागृत करना आवश्यक है। सेवा केंद्र प्रभारी बीके प्रभा के निर्देशन में आयोजित इस कार्यक्रम में कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर एस पी अग्रवाल, कई प्रोफेसर समेत सैकड़ों स्टूडेंट्स मौजूद रहे। वहीं उदयपुर के मोती मगरी में ब्रह्मा कुमारिस के स्पोर्ट्स विंग द्वारा खेल प्रशिक्षकों के लिए माइंड पावर विषय पर कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें जूडो कराटे कोच डॉक्टर हिमांशु राजौरा, पावर लिफ्टिंग के सेक्रेटरी विनोद साहू, क्रिकेट कोच दिलीप भंडारी, बैडमिंटन कोच रमेश माहेश्वरी एवं माउंट आबू साय, प्रभाग के संयोजक बीके जगबीर एवं सेवा केंद्र प्रभारी बीके रीता समेत कई खेल प्रेमी उपस्थित थे। इस अवसर पर बीके जगबीर ने खेल को खेल भाव से खेलने एवं आपस में भाईचारा बनाए रखने की बात कही, जिससे खिलाड़ी खेल का भरपूर आनंद ले सकें। इसके साथ ही फिजिकल एक्सरसाइज भी कराई गई। अब खबर पश्चिम बंगाल की है, जहां पर वर्धमान में अनलिमिटेड हैप्पीनेस विषय पर कार्यक्रम आयोजित किया गया था, जिसमें सेवा केंद्र प्रभारी बीके रुमा ने कहा कि नर्सिंग एक जॉब नहीं बल्कि एक सेवा है जिसमें सभी को दुआएं मिलती हैं। इस दौरान उन्होंने सदा खुश रहने के लिए हर बात को सकारात्मक दृष्टिकोण से देखने एवं सभी के प्रति शुभ भावना रखने की सलाह दी। इसके साथ ही उन्होंने म्यूजिकल एक्सरसाइज द्वारा स्वयं को उत्साह में रखने का अभ्यास कराया। नर्सिंग ट्रेनिंग कॉलेज में संपन्न हुए इस कार्यक्रम में कॉलेज स्टाफ के सदस्य एवं 80 से अधिक छात्राएं शामिल थीं। ओडिशा में रायगढ़ा सेवा केंद्र द्वारा संचालित काशीपुर गीता पाठशाला के एक वर्ष पूर्ण हो जाने पर खुशियां मनाई गईं, जिसमें ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर अशोक कुमार दास, अतिरिक्त ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर भगवान गौड़, गायत्री परिवार से आए भावाग्राही नायक, पूर्व वन अधिकारी कैलाश चंद्र एवं कोरापुट उप सेवा केंद्र प्रभारी बीके स्वर्णा समेत अनेक गणमान्य सदस्य शामिल थे। इस अवसर पर सेवा केंद्र प्रभारी बीके श्रीमती ने अपने विचार व्यक्त करते हुए कहा कि यह छोटी छोटी गीता पाठशालाएं समाज में व्याप्त अज्ञान अंधेरे को मिटाने एवं लोगों में आध्यात्म के प्रति जागरूकता लाने के लिए प्रारंभ की गई हैं, जहां पर ईश्वर का सत्य परिचय एवं कर्मों की गुह गति का ज्ञान दिया जाता है। वहीं बीके स्वर्णा ने राज्यों का महत्व बताया और इसको दिनचर्या में शामिल करने की अपील की। इसके साथ ही अन्य अतिथियों ने भी अपने विचार व्यक्त किए। इस कार्यक्रम से पूर्व नगर में रैली भी निकाली गई एवं ध्वजारोहण किया गया, जिसमें बीके सदस्यों ने परमपिता परमात्मा की याद से जीवन में श्रेष्ठ गुण को धारण करने का आह्वान किया और अंत में उपस्थित अतिथियों को ईश्वरीय सौगात भेंट कर सम्मानित किया गया। अब पीस न्यूज की अधिक जानकारी के लिए आप हमारी वेबसाइट पर भी लॉगिन कर सकते हैं। हमारी वेबसाइट है gwspeacenews.org और गॉडलीवुड स्टूडियो के अधिक जानकारी के लिए लॉगिन करें godlywoodstudio.org पर। आज की खबरों में बस इतना ही, और खबरों के साथ हम फिर होंगे हाजिर। तब तक ले दीजिए मैं इजाजत। नमस्कार, ओम शांति।